हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी सबकी। जैसा कि आपका पेपर हो चुका है एंड काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में देने की। बहुत सारे लोग उदास भी हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से मायूस भी हैं, ठीक है। तो आज हम पूरा का पूरा जो भी आपके यक्ष प्रश्न हैं उन सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दूसरा, हम पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उन सब के बेसिस पे हम देखेंगे कि पेपर कैसा था, क्या पेपर का लेवल था। ऑल्दो थोड़ा डिस्कशन हम स्पेशल क्लास में भी कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे मैं आज ये सेशन है जो आपका रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं और शुरुआत हम एक थॉट से करते हैं गाइस, ठीक है। आज का विचार यह है कि क्या टूटने के डर से मेरे ख्वाबों को तोड़ दूं, बीच राह में सभी ख्वाहिशें को छोड़ दूं, माना के राहों में आती है मुश्किलें, गिरने के डर से या चलना छोड़, वादा किया है मंजिलों से मैं आऊंगा जरूर, कैसे भला मैं उस वादे को तोड़ दूं। तो गाइस पेपर जैसा भी हुआ हो अभी आपका काम पूरा कि मंजिल अभी और है ना, मतलब कि इसके बाद JRF आपको करना है, जिसका नेट होने वाला है, जिसका JRF हो रहा है उसको PhD में एडमिशन लेना है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर का देना है। तो एक ही जर्नी है गाइस, इसको कंप्लीट आपको करना है। जिसका पेपर थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का पेपर है तो हो सकता है ये कट ऑफ में ऊपर नीचे हो। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। एंड हम जो शिफ्ट वन है एंड शिफ्ट टू है दोनों शिफ्ट को एनालाइज करेंगे, जो 29 को हमारा पेपर हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया था स्पेशल क्लास में 7:30 पे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस जिनको हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि सिलेबस से बाहर था या हमारी क्लास से ही था, या कौन कौन सी बुक है जहां से पेपर निकला है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलो जी, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मेरा शेड्यूल है गाइस। 7:30 बजे आपकी डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं तो उनको लीजिए। 4 बजे आपका पेपर वन का क्लासेस होता है तो उनको भी आप डेली बेसिस पे लेते रहो, ठीक है। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं जहां से आपको PDF भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस ये आइकॉनिक, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपका 8 दिसंबर से नया बैच है गाइस 2022 के लिए। हिस्ट्री का 6 मंथ फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स है गाइस वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आपके आइकॉनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है गाइस। बेस्ट प्लान है 24 मंथ एंड 12 मंथ। रेफरल कोड लगाना है आपको कैपिटल में शिव10, और जैसे ही आप कैपिटल में शिव10 लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकॉनिक में आपको मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए एवरीवन, शेयर एंड लाइक द सेशन। आप सभी लोग एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे तो बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएंगे और उनको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कितना अपना पेपर बैठ रहा है ना, कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हैं, है ना। कई लोगों के मन में एक धारणा सी बनी हुई है कि पेपर बहुत टफ था या पेपर आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ तो सबसे पहले तो गाइज जो आपके मन में सवाल है, मैं जानता हूं कट ऑफ मार्क्स को लेके आ रहे हैं। तो देखो कट ऑफ मार्क्स इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक एक आइडिया हम लगा सकते हैं, एक अनुमान है वो हम लगा सकते हैं कि स्टूडेंट का पेपर जिस हिसाब से हुआ है, आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं, टफनेस ऑफ पेपर है, उनके हिसाब से एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ मार्क्स आपका रह सकता है। तो गाइज इसके लिए मैंने लास्ट 5 ईयर के, आपके 4 to 5 ईयर के कट ऑफ हमारे पास में है तो उनको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा था। फिर उसके बाद में हम जो आपका दिसंबर 2020 का जो ये साइकिल था जिसको अभी हमने कंप्लीट किया है ना, और जून 2021 प्लस जून 2021, इसका हम फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या कट ऑफ आपका रह सकता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का। तो देखो ये वाला जो
कट ऑफ है वो आपका जनरल कट ऑफ है, ये वाला ईडब्ल्यूएस का है, ये वाला ओबीसी का है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ये एससी का कट ऑफ है और ये एसटी का कट ऑफ है। इसके हिसाब से आप देखना कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखो हम नीचे से चलते हैं, बॉटम अप से चलते हैं। 2017 में जो कट ऑफ था दिसंबर वाले में वो जनरल कट ऑफ था, ये ऊपर जो कट ऑफ है गाइस ये जेआरएफ का है और नीचे जो कट ऑफ है वो आपका किसका है, नेट का, ठीक है। एक बॉक्स में आपको दो कट ऑफ दिखेंगे, जो एक है गाइस ये आपका जेआरएफ का है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका नेट का है। तो दिसंबर में जो कट ऑफ रहा था जनरल कट ऑफ गाइस वो 60 था और नेट का और जेआरएफ का है 62। फिर हम देखते हैं कि जून वाले में कट ऑफ नीचे आई थी आपकी, नेट 50 है और 56 आपका जेआरएफ पे हो गया था। फिर दिसंबर 2018 में भी कट ऑफ आपका स्लाइटली कम ही रहा था 56%, लेकिन जून 2019 में कट ऑफ है वो आपका ऊपर चला जाता है 62 पे आपका जेआरएफ हो रहा था, ठीक है। फिर हम 2019 दिसंबर का देखें तो 62.67 वही सेम कट ऑफ है, लेकिन 2020 का पेपर थोड़ा सा टाइट आया था, थोड़ा सा टाइट, ज्यादा नहीं था, तो 60 पे आ गया। अब इस बार देखते हैं कि क्या आपका अनुमानित कट ऑफ हो सकता है, तो देखो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। आप ये मान सकते हैं कि 58 और 62 की जो रेंज है उसमें आपका कट ऑफ वेरी करेगा गाइस, 58 और 62 की जो रेंज है उसमें वेरी कर सकता है, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं इसमें ना, इतना हो सकता है। देखो मैं अनुमान बता रहा हूं, अभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं की है हमने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट से भी बात नहीं है, लेकिन जो पेपर का स्तर देख के हम बता सकते हैं कि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ तो पेपर था भी नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, कट ऑफ का सीन, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ है जो रहने वाली है। क्लियर एवरीवन? अपनी अपनी कैटेगरीज की आप देख सकते हो, ओबीसी का 56 था लास्ट टाइम, है ना, ईडब्ल्यूएस का 58 था, एससी का 52 एंड एसटी का भी 52 की कट ऑफ था आपका, है ना। ये आपका नीचे वाला नेट का कट ऑफ था लास्ट टाइम, तो इसको आप देख लीजिए, क्लियर है। चले आगे। चलो जी, तो अब हम कुछ हमारे जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसको एनालाइज करते हैं, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि, और वो क्वेश्चंस हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जो जनरली हमारी क्लास में हुए थे, उन्हीं पीपीटी से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट की ये ऐसी शिकायतें थी कि पेपर पता नहीं कहाँ से आया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पेपर जो आपने पढ़ा है वहीं से पेपर आया है, ठीक है। विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ पीपीटीज के साथ, जो हमने 2-3 दिन पहले भी काफी जो कोर्सेज हैं उनको कवर किए थे, हमने मॉडर्न का किया था, मिडीवल का किया है, एंशियंट का किया है, तो वहां से भी काफी क्वेश्चंस आपके निकले हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम करेंगे मॉडर्न इंडिया से, ठीक है, ये दोनों शिफ्ट के इंक्लूड हैं गाइस, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं गाइस, ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, वैसे तो ये सिक्वेंस नहीं होगा, लेकिन मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो देखो एक तो फाउंडर ऑफ हैदराबाद आया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फाउंडर ऑफ हैदराबाद की जब हम बात करते हैं गाइस, तो इस स्लाइड को आप याद कीजिए जो मैं अक्सर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत में हमेशा पढ़ाता हूँ। तो फाउंडर ऑफ हैदराबाद कौन है, निजाम उल मुल्क आसफ शाह, यही है आपको पढ़ाया हुआ है डायरेक्ट आपकी पीपीटी से, है ना। वो तो आपने बहुत सारी सोर्सेस से और भी पढ़ा होगा, लेकिन ये देखिए हैदराबाद के फाउंडर कौन है, निजाम उल मुल्क आसफ शाह, ठीक है, एक क्वेश्चन। उसके बाद में आप देखिए कि ये आपका बेसिकली जो बुक्स है उनसे का क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया इसका लैंग्वेज क्या था। एक आपका 1857 में करेक्ट और इनकरेक्ट था, बेसिकली इसमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपका, दिगंबर विश्वास है ना, और ये विष्णु विश्वास होना चाहिए था यहाँ पे बेसिकली, है ना, श्वेतांबर नहीं है गाइस, ठीक है, विष्णु विश्वास है। ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है गाइस, ठीक है, कि कौन से से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको याद है गाइस, है ना, तो आपने नील विद्रोह किया था हमने,
और उसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये क्या थे, लीडर थे, नेता थे, जो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आया, नील विद्रोह से आपके दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास है ये रिलेटेड है गाइस, ठीक है? तो आप अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म मूवमेंट मीट एट कादियान पंजाब। तो गाइज ये बेसिकली सिख रिफॉर्म मूवमेंट था आपका ना, जो आपका गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था बेसिकली। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये आपका पंजाब से रिलेटेड है आपका, है ना, सिख सिख से रिलेटेड है, सिख रिफॉर्म से रिलेटेड है बेसिकली। उसके बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड इंडिया डिप्रेस क्लास, ये कितने बार हमने डिस्कस किया है गाइज। अब देख यहां से, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो एमसी राजा थे। कौन से थे? एमसी राजा। और अगर आपको याद हुआ गाइस, लास्ट ईयर में नील दर्पण करके आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था नील विद्रोह से। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कुछ रिपीट नहीं हुआ, तो वो एक बार देख लीजिए प्लीज, लास्ट ईयर भी नील दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और इस बार उसको घुमा के कुछ अलग पूछ लिया उसने, उसके लीडर्स के नाम पूछ लिए, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो नील दर्पण के, नील विद्रोह के नेता थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको कितनी बार, बहुत सारी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है गाइस। ओ डायर किल्ड बाई हुम, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो उधम सिंह है, अभी एक मूवी आई है आपकी उधम सिंह, वो चर्चा में थी आपकी, और हमने बोला था कि एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, जलियांवाला बाग से और जनरल ओ डायर से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ये भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहां से भी क्वेश्चन आए, तो आपका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, उधम सिंह इज द करेक्ट, ठीक है? अब देखो ओल्ड इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में भी हमने काफी बार डिस्कस किया था, ये स्लाइड याद करो, इसी स्लाइड से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? 31 अक्टूबर 1920 को ओल्ड इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है? और लाला लाजपत राय हैं गाइस, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, है ना? और दीवान चमन लाल जी थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे, ये काफी बार डिस्कस हमने किया है गाइस, ओके? अब देखो ये एग्जैक्ट स्लाइड से आपको पढ़ाया हुआ है, एग्जैक्ट स्लाइड से क्वेश्चन आपका उठ के आया है, यही स्लाइड से हमने किया था गाइस। नाउ उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आया था गाइस, है ना, नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से, ठीक है? नेहरू जी का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इससे क्वेश्चन आया था, और एग्जैक्टली आई थिंक यही पॉइंट्स आपको दिए गए थे कि कौन कौन से पॉइंट उसमें नहीं है, ठीक है? आया था नाम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कौन कौन सी नीति है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं गाइस, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ये आपसे पूछा गया था, ओके? उसके बाद में देखो ये नॉन अलाइनमेंट के 5 लक्ष्य हैं, वो बेसिकली उन्होंने निर्धारित किए थे गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है गाइस आपका बेसिकली, नॉन अलाइनमेंट से देख लिया हमने, एक सीपीआई इंडिया इंडो चाइना वार से क्वेश्चन पूछा गया है, एजुकेशन रिफॉर्म्स करेक्ट और इनकरेक्ट। अब एजुकेशन रिफॉर्म्स तो हमने हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से किए थे गाइस, है ना, तो हायर एजुकेशन में हमने इसको बहुत अच्छे से किया, तो आई होप सबका ये ठीक हो गया होगा जितने भी हैं। अब देखो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया था आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, अगर आपको याद होगा इस मॉडर्न इंडिया की सीरीज हमने चलाई थी अभी, है ना, और उसमें हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 2 से 3 दिन मैंने आपको टाइम दिया था, है ना। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, अब देखिए आप यहाँ पे, एक तो देखो लिंग्विस्टिक कमीशन से मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपका, लेकिन लिंग्विस्टिक कमीशन के 2-3 कमीशन आपके बने थे, एक तो धार कमीशन, एक जेबीपी कमेटी और एक फैजल अली कमीशन, तो आपके क्या ऑप्शन आया था वो आपको देखना पड़ेगा,
ना, धार कमीशन है लिंग्विस्टिक कमेटी से, लिंग्विस्टिक कमेटी से जो क्वेश्चन आपके कमीशन थे, बेसिकली एक धार कमीशन है, एक जेवीपी कमेटी है, एक फिजल अली कमीशन है ना, ये है। उसके अलावा गाइस आपका एक प्रेमचंद और उसके काम, ये हमने डिस्कस किया हुआ है गाइस, है ना। एक आपका इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, इसमें देखो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि दादा भाई नारोजी है ना, जिन्होंने इकोनॉमिक, आरसी दत्त है ना, सुब्रमण्यम आयर हैं गाइस, वहां पे हमने इसको बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया हुआ था इकोनॉमिक क्रिटिक वाले टॉपिक को, और वहां से देखेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये किया हमने, उसके बाद में मॉडर्न इंडिया की बुक्स एंड ऑथर, अभी भी आप देखोगे जाके तो वहां से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे एक सेशन आपका लिया गया था गाइस, जो शायद लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री का ही सेशन था, है ना, सुल्ताना ड्रीम, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। आप बताइए सुल्ताना ड्रीम किसने लिखी थी, तो बेगम रोकैया है, ये एक बंगाली फेमिनिस्ट यूटोपियन स्टोरी राइटर है, बेगम रोकैया, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम फेमिनिस्ट है, जिनके द्वारा ये सुल्ताना ड्रीम्स लिखा गया, ओके, लिखा गया था आपका सुल्तानास ड्रीम्स, है ना। एक रेवोल्यूशनरी एंड पेपर्स, ये भी हमने बुक्स एंड ऑथर के साथ में ही किया था गाइस, है ना। इससे क्वेश्चन आपके आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं आपके, हिस्टोरिकल राइटिंग इंटरप्रिटेशंस, ये आपके देखो यूनिट 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूनिट 10 से आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको करके जाइएगा, और क्वेश्चन वहीं से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से निकल के आया है ये वाला, है ना। तो सुल्ताना ड्रीम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपका निकल गया है देखो। उसके बाद में गाइस पैसेज वाले दो क्वेश्चन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पैसेज थोड़ा सा हार्ड था, तो अभी देखो पैसेज तो करवाना बहुत मुश्किल है। अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अकबर की धार्मिक नीति, मैंने एग्जैक्ट आपको गाइज यहाँ से कुछ पीपीटीज हैं आप देखेंगे तो वो बताई है आपको, अकबर को जब हमने मुगल पीरियड को रिवाइज किया था तो अकबर की पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था गाइज, है ना। क्रोनोलॉजी से इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार जो अगली बार देने वाले स्टूडेंट हैं प्लीज क्रोनोलॉजी यानी डेट्स और फैक्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके सूफी से आए हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं आपके। पेंटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहांगीर के पेंटर आपसे पूछे गए हैं गाइस, ठीक है, जहांगीर के पेंटर आपसे पूछे गए। 1857 का रिवोल्ट एक्सपेक्टेड था गाइज, 2 क्लासेस इस पे ऑलरेडी ली है हमने। महात्मा गांधी पे 2 क्वेश्चंस हैं, जब भी मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं गाइज तो महात्मा गांधी से आपके क्वेश्चंस हैं, वो पूछे ही जाते हैं, तो ये आपके 2 महात्मा गांधी से क्वेश्चन थे, 1857 से क्वेश्चन है, 2-3 पेंटिंग से क्वेश्चन है आपके, है ना। एंड उसके बाद में पंसिल एग्रीमेंट से क्वेश्चन थे, नाम से क्वेश्चन थे आपके, उसके बाद में मंगोल अटैक से क्वेश्चन था, स्त्री पुरुष तुलना, मॉडर्न इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, सरला देवी चौधराइन, इससे क्वेश्चन था आपका, लिबरलाइजेशन, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन था, एलपीजी जो रिफॉर्म आए थे आपके 1991 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन से आई डोंट नो कि क्वेश्चन क्या आया था, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि यहां से क्वेश्चन आए हैं। अकबर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इस स्लाइड को आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा भी वो लास्ट में है वो स्लाइड, हमने अकबर के जो अभियान थे उनका क्रोनोलॉजी किया था मिडेवल हिस्ट्री में, भक्ति संस की फिलोसफी है, नियोलिथिक साइट्स से क्वेश्चन आए हैं, बुद्धा की मुद्रा से क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आपका मैत्रेय यानी फ्यूचर बुद्धा से क्वेश्चन आया था, आंसर था मैत्रेय, मैत्री फ्यूचर बुद्धा से, यहां से क्वेश्चन आया था आपका एक, है ना। पोइट्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी, ट्राइबल रिवोल्ट की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे,
ठीक है। अब जितने भी गाइस हमने अभी तक किए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, चिरांद और गुफ कराल बहुत अच्छे से किया गया है गाइस, नियोलिथिक साइट है आपकी, चोपानी मांडो को किया गया है आपका, अर्ली मिडिवल इंडिया के टर्म्स पे ऑलरेडी एक क्लास ली गई है आपकी, स्पेशल क्लास। तो कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर बाहर से आया है ये बताओ। कौन स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस है? पेपर देखो हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, तो आपका एनालिसिस गलत है गाइस। सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, वो ही आए हैं। 75% पेपर है गाइस, वो आपका एवरेज पेपर ही था ये। 75% जो पेपर है वो आपका एवरेज पेपर है। 25% जो पेपर है वो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट टफ बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन 75% जो पेपर है वो बहुत इजी वाला पेपर ही था गाइस, ये। अब ये तो हो गया मिडिवल इंडिया का। अब ये एंशिएंट इंडिया का देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एंशिएंट इंडिया में, है ना। हाईएस्ट पनिशमेंट टू विच वर्णा, ठीक है। बयाना होर्ड से कौन से गुप्ता रूलर के सबसे ज्यादा मिले हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। 911, 900 समथिंग मिले हैं गाइस, है ना। 900 से ज्यादा इसके कॉइन्स मिले हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। तो बयाना होर्ड काफी फेमस है, हमने किया है। अब देखिए स्लाइड में जो बयाना होड है वो बिगेस्ट होड है गुप्ता एरा कॉइंस का गाइस, ठीक है। और ये एएस अल्टेकर, हमने पहले भी बात की है, इनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कॉइंस आपको मिले हैं गाइस, बहुत सारे कॉइंस मिले हैं जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड के सबसे ज्यादा मिले हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे अपारकावास, है ना, अपारका से क्वेश्चन पूछा था, राज तरंगनी से क्वेश्चन पूछा था आपका, है ना। ये देखो हमने पहले भी बात की थी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। मिडाइवल, मॉडर्न, एंशियंट, तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। सिक्वेंस ऑफ द उड़ीसा टेम्पल, इसमें ऑल्दो ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी थे, सिंपल ऑप्शन नहीं थे गाइस, है ना। एक मेगालिथिक पे आपका असर्जन रीजन का क्वेश्चन है था, सेवन लिम्स ऑफ द स्टेट। तो गाइस इसमें जो युवराज, आई थिंक वो ऑप्शन है, वो नहीं था ना, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे युवराज है आपके में ऑप्शन होगा, तो युवराज वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा इसमें। जो हमने कौटिल्य की सप्तांग दो छोरी है, बेसिकली सप्तांग जो सिद्धांत है आपका, वहां से क्वेश्चन आया, सप्तांग थ्योरी, है ना। तो देखो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है यहाँ से, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो सकती है। एक देखो ये आपका हिंदू फिलोसॉफी से क्वेश्चन आ गया था आपका, ठीक है, कि सांख्य योग न्याय विशासिक पूर्व मीमांसा वेदांत, ये आपने हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठ के आया है यहाँ से, ठीक है, जो भी आपकी हिंदू फिलोसॉफी है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको याद है गाइस, तो हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपके, आई थिंक हमने 26/7 नवंबर को ही ये किया है, ये स्लाइड एग्जैक्ट स्लाइड, एग्जैक्ट स्लाइड है और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके आए हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। तमिल संगम पोएम में 5 इकोजोन्स की बात की गई है, यानी 5 तरह की भूमि की बात की गई है गाइस। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका उठ के आ गया है, 2-3 दिन पहले ही हमने किया था गाइस, है ना। तो इसको देख लीजिए अपना करेक्ट है या नहीं है आप सबका। ये कुरुंजी, मुलाई, मरुदम, नेतियाल और पिलाई, जिस जिसने किया है आप देख लीजिए इसको, उसके बाद में एंशिएंट इंडिया की और बात करें गाइस, तो चालकोलिथिक साइट्स आपकी पूछी गई है राजस्थान की। तो ये मैप याद करिए, है ना, ये है आपकी राजस्थान की साइड, देख ये वाला चालकोलिथिक साइट्स, ठीक है। ये आपकी चालकोलिथिक साइट्स है जिसमें देखो जोधपुरा है, गणेश्वर है, गिलुंद है, आहार है, बालाथल है,
ये राजस्थान की साइट है, ठीक है, ये राजस्थान की साइट है, जोधपुरा, गणेश्वर, गिलून, बालाथल, आहाट। ऑप्शन में क्या था एक बार मुझे बताइए। ये है राजस्थान की साइट, चालकोलिथिक साइट, ताम्रपाषाण कालीन की साइट है। इसको भी एक बार चेक कर लो आपका सही है या नहीं है ये। ओके, उसके बाद में सभा एंड समिति है ना, ये इसको हमने डिस्कस किया है आपका, है ना। महापरिनिर्वाण हमने पहले भी बात की है गाइस, 8 जगह पे उनकी जो अवशेष हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बेसिकली। 2 जैन काउंसिल हुई हैं आपकी, ठीक है। एंशियंट फीमेल टीचर्स का टर्म कोई पूछा गया था आपके, नासिक केव इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा गया था ना। एक आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो शब्द है सबसे पहले कौन से इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है। तो गाइस आप सबको पता है गाइस, खारवेला है ना, वहां पे सबसे पहले इसको भारत शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ठीक है। तो गणेश्वर था शायद, ओके, तो गणेश्वर को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है गाइस, है ना। उसके बाद में एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी आई थी आपकी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, और इसमें धर्मपाल की जगह नाग भट्ट सेकंड था बेसिकली, है ना। धर्मपाल की जगह क्या था, नाग भट्ट सेकंड। नाग भट्ट सेकंड, और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका उठ के आ गया था कि अरेंज द फॉलोइंग इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो गुजर प्रतिहार है आपके, है ना, गुजरा प्रतिहार जो शासक हैं उनकी क्रोनोलॉजी बेसिकली यहां पे पूछी गई थी गाइस। गुजर प्रतिहार की क्रोनोलॉजी यहां पे थी, और यहां पे धर्मपाल की जगह नागभट्ट सेकंड था बस, बाकी क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं गाइस, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद में गाइस एक टेंपल आर्किटेक्चर से क्रोनोलॉजी आपकी पूछी गई थी, इसको भी आप चेक कर लीजिए आपका सही है या नहीं है, कि कौन सा पार्ट होता है बेसिकली, है ना। जैसे ऊपर देखे तो कलश है, अमलक है, भूमि है, आमला है, रहा पागा है, जंगा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद गुजरा प्रतिहारा की क्रोनोलॉजी मैंने आपको करवा दी है। एक क्वींस ऑफ कश्मीर से क्रोनोलॉजी पूछी गई थी शायद, है ना, वो आपको देखना है ना। सैलेंडर रूलर रिलेशनशिप, ये गाइस PYQ ही रिपीट किया है आपका, यहां से पूछा गया ऑलरेडी। श्री विजय एम्पायर से ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं PYQ में। एलोरा और अजंता केव्स आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था अच्छे से इसको, अजंता एंड एलोरा केव्स को, है ना। तो ये है, तो ये है एक आपका गाइस, आई थिंक यहां से पिटका से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सुपिटक से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने निकाय हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया होगा, है ना। पिटका से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक सुद पिटक या बिना पिटक से, कि उसके कितने निकाय हैं, तो वो एक बार आप देख ले रहे कि आपका ये सही है या नहीं है। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारी सेशंस में। उसके बाद में आपके कुछ और है जो मिडेवल इंडिया से क्वेश्चंस आए हैं गाइस। एक तो लाख बक्स, ये तो देखो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, ई बक सबको पता है ना, हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, क्योंकि वो लाखों में दान देता था, है ना, लाखों में दान देता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाख बक्स। इसको कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इल्तुतमिश के 2 कॉइन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइस, टंका और जीतल। यहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था आपसे, अगर आपको याद हो गाइस, तो लास्ट ईयर भी कॉइन से क्वेश्चन पूछा गया, है ना।
इबन बतूता कितना डिस्कस किया है हमने इबन बतूता को। उसके बाद में अकबर की विक्ट्रीज की क्रोनोलॉजी, ठीक है, तो आप इस स्लाइड को याद करें, हमने बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है गाइस इसको डिस्कस किया है। आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन था, इसको टैली कर सकते हैं गाइस, है ना, इसको आप देख लीजिए कि ये आपका अकबर के विक्ट्रीज का क्रोनोलॉजी है कि उसने कौन कौन से युद्ध कब कब जीते, कब कब किसके साथ युद्ध, उस दिन पहले ही आपका मिडिवल इंडिया का रिवीजन के दौरान इसको कवर किया था। उसके बाद किया है गाइस, ये क्रोनोलॉजी देख लीजिए उनकी धार्मिक नीति से, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट शायद अभी नहीं पता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रजिया के बारे में पूछा है, बलबन के बारे में पूछा गया है, तीरसा सूरी के बारे में पूछा गया है, मुगल के फाइनेंस सिस्टम के बारे में पूछा गया है, और एक चोखा मेला करके पूछा गया था आपसे, है ना। तो ये चोखा मेला ये क्या है, ये एक हिंदू सेंट है गाइस महाराष्ट्र के, तो अगर आप देख लीजिए आपने क्या करके आए उसमें, ये चोखा मेला कौन है आपके, हिंदू संत है ये महाराष्ट्र वाले एरिया से। उसके बाद में ये हमने कर लिया है, जहांगीर की पेंटिंग आप सबको पता है गाइस, अबुल समद, है ना, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी किया है। उसके बाद में शाहजहां के टाइम पे जो संस्कृत के जो विद्वान हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको मैच कर लीजिए गाइस। एक तो दो थे बेसिकली ऑप्शन साइड, एक तो देखो जगन्नाथ पंडित राज था शाहजहां के टाइम पे, एक कविंद्राचार्य, कविंद्राचार्य सरस्वती, ये दो स्कॉलर थे। ऑप्शन में क्या था एक बार बताओ मुझे, ऑप्शन में क्या था वो बताओ, ठीक है, जगन्नाथ पंडित राज था, तुगलक एक्सपेरिमेंट की क्रोनोलॉजी ये बहुत अच्छे से करवाई गई है गाइज आपको, मोहम्मद बिन तुगलक की क्रोनोलॉजी अगर आपको पता हो तो, मैंने बताया था कि पांच एक्सपेरिमेंट थे इसके और उसकी क्रोनोलॉजी हमने की है। एग्जैक्टली एक स्लाइड है वहां पे आप जाके देखेंगे, जो सतलत पीरियड का रिविजन वाला क्लास था वहां पे हमने इसको किया हुआ है ऑलरेडी पूरा का पूरा। अच्छा कविंद्राचार्य था, हाँ, तो देखिए ये है शाहजहां के टाइम के स्कॉलर और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो जो आप एक बार चेक कर लीजिए किस किस का ये सही हुआ है ना। उसके बाद में देखो ये थे मेन मेन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद में देखो निष्कर्ष ये निकलता है कि पेपर मॉडरेट था, टफ नहीं था, है ना, पेपर मॉडरेट था, नोट टफ टफ नहीं बोलेंगे, सिलेबस से ही पूरा का पूरा पेपर था, ठीक है, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी गाइस, है ना, मान के चलिए कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली है, ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है आपकी, ठीक है, 60+2-माइनस कर लीजिए आप, यहीं पे कट ऑफ वेरी करेगी जनरल कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आप मान लीजिए 56 तक हो सकता है, वही ओबीसी का भी आप देख सकते हैं 55 तक आ सकता है, एससी का वही 51+-2 में सब में कर सकते हैं आप, ठीक है, एसटी का वही देख लीजिए 50-51%+-2, तो मतलब अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, है ना, आपके 200-180 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, 180 के नंबर और 200 के बीच में आपके नंबर हैं तो आपका आराम से हो जाएगा जी आर, डोंट वरी, चिंता ही मत करिए, ठीक है, तो ये वाली चीज है। ओके नाउ, तो ये था गाइस मेरा एक छोटा सा पेपर का एनालिसिस, है ना, पूरा एनालिसिस तभी हो सकता है जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हो पाएगा, बाकी एक ऊपर ऊपर से एनालिसिस हमने किया है, तो मुद्दे की बात ये है कि कोई बुक्स चेंज नहीं करनी है, बुक्स को अच्छे से, ठीक है, कोई ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस से ही पेपर आ रहा है आपका,
सिलेबस से बाहर से पेपर नहीं है गाइस। तो बुक्स वही रखनी है, सिलेबस वही पढ़ना है, बस स्मार्ट स्टडी आपको करनी है ना, स्मार्ट स्टडी है वो करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप अभी से लग जाओ है ना, अभी से अपने कोर्सेज आपको लेने हैं तो कोर्सेज ले लीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है तो खुद से सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको करना है वो जल्दी डिसाइड करो। तो ये था सेशन, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सेशन तो गाइज एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर दीजिए जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए, और बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे। कल आपका हम स्ट्रेटेजी सेशन है कि आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे गाइस, ओके। चलिए, तो ये था सेशन। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आपका एक नया बैच है गाइस, तो 8 दिसंबर से आपका शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे हमारा बैच, जिसमें हम ऑल 10 यूनिट रिवाइज करेंगे। ऑल 10 यूनिट्स का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स आएगा आपका, 6 मंथ का कोर्स आएगा। तो जो भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये आपके आइकोनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है। आइकोनिक और प्लस में डिफरेंस क्या है कि आइकोनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके हम बता सकते हैं। स्पेशल क्लासेस गाइस कल 7:30 पे होगी, और कल 7:30 पे हम जो एंशियंट इंडिया है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। उसके अलावा 4 PM पे आपका पेपर 1 का क्लास होता है, तो इस क्लास को भी आप अटेंड कीजिए। उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन में आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये आपका शेड्यूल है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाकी जो भी आपके डिस्कशंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है सेशन।